सीएसके के खिलाफ रोहित शर्मा ने की प्लेइंग 11 घोषित। टीम में शामिल किए दो धुआंधार प्लेयर और सीएसके के खिलाफ बनाया जीत का महाप्लान। क्या है पूरी खबर जानेंगे इस वीडियो में। तो आप भी हो मुंबई इंडियंस के फैन तो कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आप क्रिकेट व आईपीएल से जुड़ी कोई जानकारी मिस ना कर सके। तो चलिए अब खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों मुंबई इंडियंस को आरसीबी के खिलाफ मिली करारी हार, जिसके बाद मुंबई के खेमे में मच चुका है हाहाकार और अब रोहित शर्मा अपनी टीम में इस खिलाड़ी की एंट्री कराने पर तुल चुके हैं। तो क्या होगी सीएसके के खिलाफ रोहित के 11, आइए एक नजर डालते हैं। तो ओपनिंग का जिम्मा कप्तान रोहित शर्मा और कैमरन ग्रीन के कंधों पर होगा। तो नंबर 3 पर ईशान किशन को खिलाया जाएगा। मीडिया खबरों की माने तो ईशान किशन को नंबर 3 पर खिलाने का कारण उनसे नई गेंद का न खेलना है। ईशान किशन को नई गेंद खेलने में दिक्कत हो रही है, तो उन्हें नंबर 3 पर ट्राई किया जा सकता है। नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 पर तिलक वर्मा, तो नंबर 6 पर टीम डेविड आपको फिनिशर की भूमिका में दिखेंगे। तो वहीं नंबर 7 पर निहाल वधेरा, तो नंबर 8 पर ऋतिक शौकीन एवं नंबर 9 पर पीयूष चावला, तो नंबर 10 पर जोफ्रा अर्चर एवं नंबर 11 पर आपको अरशद खान की जगह अर्जुन तेंदुलकर दिख सकते हैं। दोस्तों सीएसके के खिलाफ मुंबई इंडियंस की रणनीति में आपको दो बदलाव देखने को मिलेंगे। पहला बदलाव ईशान किशन को लेकर, तो दूसरा बदलाव अरशद खान को लेकर। दोस्तों आपके हिसाब से अर्जुन तेंदुलकर का डेब्यू कराने का समय अब आ चुका है या नहीं, कमेंट कर अपनी राय जरूर देना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।